फिर जावे ता जावे सादा सिखी सिद्ध ना जावे फिर जावे ता जावे सादा सिखी सिद्ध ना जावे इसे प्रकार इस संसार दे ताई कहा है साधो रचना राम बनाई एक मिनसा एक आसर माना अचरज लख्यो ना जाए। एक तो इस संसार नू नासवंत समझ रहे हैं गुरु के प्यारे ब्रह्म ज्ञानी, एक समझदे हैं असी कदे भी इस संसार तो मर के नहीं जाना। बड़ी पारी अश्चर्यताई वाली गल है। हजूर अगे कहंदे हन जिवें बदल दी शान सदा वास्ते टिकी नहीं रहिंदी, उह चट अगे चली जांदी है। इसे प्रकार बदल दी शान ही नहीं आई है साडा जीवन है, कदे भी सदा वास्ते दुनिया ते कायम नहीं रहना। जदों ए परारब्ध रूपी सूरज पछों वल नूं जाके छप जावेगा, उस वेले ए साडा मुख साडा चेहरा साडा जीवन जो कबल दी न्याई तय करिया है, जिवें सूरज दे डुबण तों मुरझा जांदा है, ए शरीर मुरझा जावेगा कुमला जावेगा सदा वास्ते। जिवें दसम पातशाह महाराज साहब सच्चे पातशाह जी आप इस धरती विच विचरदा सन, उस वेले एक बेनवा फकीर ने सद गाया सी जिस विच कहा सी कच्चे कोठे विच वसदा है जानी सदा नहीं मापे सदा नहीं जवानी चलना है आगे क्यों होयो गुमानी। दसवें पातशाह चरणां विच सद गाउण तां हजूर ने प्रेम विच लीन होए ने तीन वारी हुक्म करके गावाया सी। सो खालसा जी इस संसार दे विच जिवें एक कड़ा टुटिया होया होवे, हजूर सच्चे पातशाह ने दृष्टांत नवें पातशाह ने देख के फरमाया है, टुटे हुए कड़े दे विच भरिया होया पानी जिवें बूंद बूंद करके सारा निकलदा जा रहा है, निकल जांदा है, कड़ा खाली हो जांदा है। इसे प्रकार चेतना है तो चेतला निस्तिन मैं प्राणी शिन शिन औद बिहात है फूटा घट ज्यों पानी। जिवें फुटे हुए कड़े दे विचों पानी निकल के बूंद बूंद निकल के सब समाप्त हो जांदा है, ए शरीर एक कड़े दी न्याई नौ गोलकां रूप जिस दे विच छेक हन, 24,000 स्वासा रूपी बूंदा अठ पैरां विच जिस विचों निकल जाणियां हन, जदों सारा स्वासां रूपी पानी निकल गया अखीर खाली रह जावेगा। यह हालत इस शरीर दी होनी है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी इसे प्रकार बड़े भारी होर दृष्टांत दे के सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब ने बचन किते हन। सो आपां आए कादे वास्ते, इस संसार नूं एक चक्की दी न्याय वी हजूर सच्चे पातशाह ने कहा है, जिवें चक्की दे दो पुड़ हुंदे हन, उहनां दे विच जिहड़ा वी दाणा आ जावे उह पीसियां तों बिना नहीं रहिंदा। एक धरती ते आकाश रूपी दो पुड़ हन, इहनां दे विच जिहड़ा जीव रूपी दाणा पैदा होया उह काल रूपी चक्की ने पी देना है। पर बचा किन्हां नूं है, जिहड़े खालसा जी जिहड़े दाणे किल्ली दे नाल लगे रहण उहनां नूं किसे प्रकार दा कोई वी सेक नहीं लगदा, उह नहीं पीसे जांदे। उह गुरु के प्यारे जिहड़े साध संगत सतगुरु जी दे चरणां दी ओट रूपी किल्ली दे नाल लग के रहणगे, उहनां नूं काल कदे पी नहीं सकेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब ने बख्शिश कीती, हुक्म कीता है कि प्राणी तू आया ला लैण। संसार विच असीं आए किस वास्ते हां, खा लैणा पी लैणा भोग लैणा सौं जाणा, तगड़ियां तो डर जाना मार लैण डरा लैणा संतान पैदा कर लैणी, केवल इन्ना ही कम साडा संसार विच आउण दा नहीं, इह तां पशुआं दा कम है। उह वी चारा खांदे पाणी पींदे माड़े पशुआं नूं डराउंदे तगड़ियां तो डर जांदे संतान पैदा करदे, ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।
ओ गुरु के प्यारे ए सतगुरु पंजवें पातशाह मां शब्द पवित्र उपदेश अपने हिरदे विच धारण करके के लख 84 जून विच उत्तम जन्म सम्मान सदेही 84 लख जून विच पड़कदिया होया तो मगरों कई जन्म पाए कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर बिरख जोयो अनेक जून विच पड़कदिया होया तो मगरों जो साडे पूर्वले जन्मां दे भाग जागे उस वेले 84 लख जून पड़कदिया होया तो बाद परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते खालसा जी सानू मनुखा जन्म प्राप्त होया है। ए गुरु के प्यारे बाणी पढ़ के जानते हैं आयो सुन पढ़न कहो बाणी ए संसार विच गुरु की बाणी नू सुन वास्ते गुरु की बाणी नू पढ़न वास्ते गुरु की बाणी नू विचारन वास्ते गुरु की बाणी अनुसार अपना जीवन बनाउन वास्ते संसार विच केवल आए हां। जे हुण नहीं सिमरन भजन करांगे फिर केड़ा मौका आवेगा। भगत कबीर जी सानू उपदेश देंदे हन जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल पाई नहीं बानी पाई लहरे मन सारिंग पानी अब न पजस पजस कब पाई आवाय अंत न भज आ जाए। हर समय वास्ते सानू उपदेश दे रहे हन ए मनुखा जन्म दे स्वास बड़े भारी अमोलक हन। महात्मा एक चढ़ाई करन लग्या तो अपने चेलियां नू कहा सी सो चेले कहन लगे जी कोई अखीरी उपदेश कहिंदे बेअंत धन पिया कुछ स्वास लियाओ सो फिर मैं तुहानू खुला उपदेश दियांगा स्वास थोड़े हन इस वास्ते पूरा उपदेश नहीं दे सकना। सो चेले सारे बाजार विच फिरे हन पर स्वास कौन मुल देवे सगो सियाणिया ने कहा तुसी अकल तो हीने ना बनो छेती जाओ महात्मा ने पास जिन्ने भी स्वास बाकी हन सो ओ उन्हां विच उपदेश लैके तुसी कमाओ जिस करके निहाल होवो। महात्मा ने पास गए महात्मा कहन लगे स्वास लियाए हो नहीं महाराज कहिंदे बाला मुल दे देना सी जी सारियां धन दियां थैलियां देंदे रहे एक स्वास भी मुल नहीं मिलिया। महात्मा कहन लगे साडा यही अखीरी उपदेश है मनुखा जन्म का एक एक स्वास भी करोड़ा रुपया के मुले नहीं मिल सकेगा पर सफला ता है जिवें खालसा जी एक ममूली कागज है वह धरती से पिया हो ना कोई नफरत करता ना कोई प्रेम पर एक उ कागज गंदे नाल निबड़िया हुआ वेख करके लोग थुक के कोल दी लंघते हैं पर उ कागज जिस टकसाल चला जाए ओदे उपर पातशाही मोहर लग जावे ओ सोहणे सोहणे नोट बन जांदे हन लोकी संभाल संभाल के रखदे हन। इसे प्रकार साडे जीवन रूपी कागज खालसा जी सुते सिद्ध जे साडा जीवन होवे ना साडे नाल किसे ने प्रेम करना ना नफरत करेगा जे साडा जीवन बर्बाद ते विगड़िया होया होवेगा सब लोकी साडे नाल नफरत करनगे नेड़े नहीं कोई ढुकेगा पर इही स्वासा रूपी कागज जे सतगुरु सच्चे पातशाह दी साध संगत रूपी टकसाल विच पहुंच जावेगा फिर कड़िया शब्द सची टकसाल जिनका नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करनगे जे असी एक परमेश्वर नूं जान लवांगे एक एक रुपए का नोट है जे पंजां विकारां नूं जित लवांगे साडा एक एक स्वास पांच पांच रुपए का कीमती नोट की न्याई है जे असी दसें इंद्रियों नूं वस कर लवांगे दस दस रुपए का नोट है जे सारे विषयां ते फतेह प्राप्त कर लवांगे फिर मन जीता जग जीत सतगुरु जी की बख्शिश साडे उपर होवेगी। ए गुरु की साध संगत रूपी टकसाल विच अपने स्वासा रूपी इस कागज नूं लिया के जीवन नूं लिया के गुरु के प्यारा ने करना कीता है। इसे प्रकार हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी कृपा करके बेअंत दृष्टांत प्रमाण दे के गरीब नवाज जी आपां नूं मेहर करके हर वेले बाणी द्वारा उपदेश देने रहिंदे हन।